सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और भाई इस वक्त टाइम देखो, सुबह के बज रहे 5:30 और घर पर कोई नहीं उठा हुआ, बस मम्मी उठी हुई और मैं उठा हूँ। सुबह पाँच बजे जग गया था और अब फ्रेश वगैरह हो गया आराम से। अब बैठूंगा एडिटिंग पे, और सुबह एडिटिंग इसलिए कर रहा हूँ भाई, रात को एक तो इसके चक्कर में थोड़ी जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी नींद खुल जाती है क्योंकि एडिटिंग करनी होती है, टेंशन रहती है शरीर मतलब दिमाग में, तो सुबह जल्दी अपने आप नींद खुल जाती है। और बाकी अलार्म लगा वगैरह लगा के सो जाता हूँ, तो अब एडिटिंग करते हैं। और बढ़िया भी है, सुबह सुबह इस बहाने जल्दी उठ भी जाता हूँ, मतलब बाद में फिर ज़रा सोया तो बेशक, पर ये है कि इस बहाने थोड़ा 5:30 के आसपास उठ जाता हूँ जल्दी रोज। तो 5-6 दिन से अब सुबह एडिटिंग कर रहा हूँ, और सुबह का ही सही रहता है, मतलब थोड़ा दिमाग भी सही रहता है, तो सुबह एडिटिंग कर दो 5-6 दिन से। और अब एडिटिंग के लिए बैठते हैं। ये जूते वूते पहन के कहाँ जा रहे हो? हैं ऊपर रनिंग करोगे? रनिंग करोगे ऊपर? चलो सुबह सुबह जूते वूते पहन के तुम रेडी हो आते। चलो यार मम्मी, यार हम तो चले। जुकाम हो गया मेरे को, बता देना। और क्या करूँ, जुकाम हो गया। रात को नहीं लाओगे तो भाई जुकाम तो हो गई। पानी से डर लगता है। पानी, इसमें पानी से डर गई क्या? मस्त मौसम हो रहा है सुबह सुबह। भाभी क्या ठंडा मौसम कर रखा। दौड़ो आ जा। और जूते किस लिए पहन के आई हो? तू अपनी थिंकिंग से बोल रहा है दौड़ोगे दौड़ोगे। आप कह रहे हो हाँ भाई, तू हाँ तू बुलवा रहा है फालतू वजन पुट अप करके। क्या करोगे फिर? मस्त हवा चल रही है भाई, ठंड लग रही है। शिमला है, शिमला। रात को नहीं लाओगे तो जुकाम होगा ही। रात को नहीं लाओगे, हमने तो आपको 12 बजे नहाने के लिए बोला था। 12 बजे क्या भैंस क्या, सुबह से शोर मचाते हैं। अब 2 दिन की छुट्टी है, अब सुबह सुबह उठने का एक नुकसान तो है। नुकसान? हाँ, भूख लग जाती है। ओह, नुकसान हो गया। अगर लेट उठूंगा तो 12 बजे तक भूख नहीं लगेगी। अब सुबह सुबह उठता हूँ तो अब अभी से ही भूख लग रही है। तो भाई आज ब्रेकफास्ट में यहाँ पे ब्रेड रोल, और ब्रेड रोल हमारे घर में ज़्यादातर सबको अच्छे लगते हैं और आशा को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आशा की डिमांड पे आज बने हैं ब्रेड रोल। और आशा भी ऊपर से आ रहे हैं, और देख लो सुबह से ऊपर गए हैं। टाइम देखो इस वक्त कितना हो रहा है, 10:45 हो रहे हैं और सुबह 6 बजे से ऊपर हैं आशु भैया, काम करे जा रहे हैं। मतलब सफाई का इतना शौक है आशा को, मतलब हंस रहे हैं देख लो। तो सही तो कह रहा हूँ, ऊपर भी मतलब सफाई, सब साफ जगह पर भी सफाई करते रहेंगे, इतना शौक है। मतलब देख लो कितना क्रेज़ है गंदे वाला। अब सुबह से ऊपर लगे हुए हैं, अब नाश्ता करके फिर दोबारा ऊपर चले जाएंगे। तो मतलब होता ना कि मेहनत, एक शरीर की फिट रहने के लिए मेहनत तो ज़रूरी है, तो आशा वो करते रहता, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते। आशा में खासियत है, जैसे कल शेव कर ली, आज ऊपर की सफाई कर ली, ना कुछ करते रहते हैं। अब देखो मोबाइल पर लगे हुए हैं, तो आशा में खासियत है बहुत तगड़ी। और ये जो आशा की कातिलाना स्माइल है ना, ये देखो बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। तो अब करते हैं भाई नाश्ता। तो भाई आज फिर से जा रहे हैं हम डॉक्टर के पास, क्योंकि पापा जी के दांत में दर्द था, वो पूरा सूज चुका है, मतलब मुंह के ऊपर तक सूजन आ गई अच्छे से। तो डॉक्टर ने बोला था अगर दर्द वगैरह हो, वैसे तो मत आना, अगर दर्द वगैरह हो तो आ जाना। अब हो सकता है आज कैप वगैरह चढ़ाते हैं दांत पे, तो देखते हैं। और निकलते हैं पहले यहाँ से। तो भाई हम पहुंच गए हॉस्पिटल, पापा जी को पहले उतार दे क्योंकि उधर की तरफ उतरते हैं भाई आगे की तरफ, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करता हूँ। तो पापा जी को वहाँ पे हॉस्पिटल के आगे उतार दिया, अब यहाँ से हम जाते हैं। Few moments later. ओ भाई थोड़ी सी देर में इतनी गर्म हो जाती है गाड़ी, हद से ज़्यादा। शुगर की वजह से हो रखा है आपको? शुगर की वजह से? हाँ कैसे? शुगर है ना, इस वजह से सही नहीं हो रहा है। तो फिर अब? फिर बुधवार को खिलाना। अच्छा बुधवार को जाना, तो फिर कच्चा करेंगे, निकाल देना मसाला। अच्छा पहले कच्चा कर देंगे। और दर्द के लिए क्या कह रही है? वो मैं दवाई दिखाई, मैं ये ले रहा हूँ, क्या तो ले लो कोई बात नहीं। अच्छा दे दे दवाई, कच्चा कर देंगे फिर 3-4 दिन देख के उसका। क्या करवाना, क्या है, क्या काम ऊपर? तो दूजा दो रिया फिर
मैंने तो मान कह रही थी कर लो फिर बाद में भैया के साथ जाना। तो मैंने कहा भैया वो सो जाएगा तुम्हारा भैया फिर जाएगा नहीं वो शर्मा जी के पास। मैंने इससे पहले जा ही रहा हूँ आते उसी के साथ करो भाई आज ऐसा कोई सीन नहीं है तो गलत कर रहे हो मेरे साथ भाई। पहले आशा ने मेरे को बोला कि तू पापा के साथ चला जा मैं नहीं जा रहा तो मैं अपना काम कर लूँगा फिर तू आ जियो फिर वहीं जाएंगे जब आ जाएगा काम तो वहाँ पे गए थे तो पहले आशा ने बोला कि तू वहाँ मतलब तू चल जियो तेरे से काम नहीं कराऊंगा ऊपर का और अब वहाँ से फ्री होके आ गए अब ऊपर का मेरे से काम करा रहे और इतनी धूप हो रही है इस वक्त शाम को कर लो अब वो खुद मतलब खुद के साथ मेरे को भी रगड़ेंगे रगड़ेंगे ये देख लो भाई ये देख लो कितनी धूप हो रही है अंगारे बरस रहे हैं। आप तो कहते छत साफ कर दी कहाँ कर दी साफ और क्या करा है? क्या करा ये ऐसी दी ये गमले और इधर उधर कर दिए जिस बंदे को पता ही नहीं सफाई क्या होती है उसको क्या पता ये साफ है कि गंदी है। मतलब कुछ ना कुछ बिना मतलब के कभी बीच में गमले लगाने लग जाएंगे अब साइड में लगा रहे हैं अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहते हैं मेरे को साथ में लपेटते हैं बस गमले गमले रख के चल लेंगे फिर तो मेरे को लेके आए गमले तो रखने बस है क्या काम कराऊंगा आज धूप हो रही है बहुत तेज तो लेके कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा इस वक्त हजार है हजार में तो तप जा मतलब सिस्टम भी नहीं दिखा अड्डी अड्डी कुछ नहीं बचेंगी हजार में 100 डिग्री सेल्सियस में तो बंदा जल जाता है। भाई आशा मैं नहीं लेके जाऊंगा ये पहले होगी थी बात आशा चल साइड में तो लगा दे हैं ये आशा ऐसे मत करो साइड में लगा भाई आपने पहले बोल दिया था पहले एक बात हो जाती है आपने पहले बोल दिया था कि मत लगा जो इटे विटे कुछ चल लो यार ऐसे गर्मी लग रही है नींद आ रही है मेरे को बहुत तेज मजाक सेट के जा रहा हूँ शाम को उतार लेंगे सही कह रहा हूँ शाम को घूमने आएंगे तभी उतार देंगे बोलो अभी धूप हो रही है यार मन नहीं कर रहा वैसे ही चलो हाँ अरे आप उधर खड़े हो जाओ मैं देता रहता हूँ कैच करते रहना अरे हल्के हल्के दूंगा बैठे रहो बस ये लो हल्के हल्के देखो ऐसे ऐसे दूंगा देखो एक बार करके तो देखो फटाफट हो जाए काम ये लो ऐसे ये देखो पकड़ो जल्दी जल्दी पकड़ो अब ऐसे फिर तो आधा घंटा लगा रहे हो ये ऐसे देखो लग रहा है कुछ ऐसे से होता है काम मिस्त्री वाला ये लो ऐसे अब थोड़ी बाउंसर दूंगा कैच करना डाई मारनी पड़ेगी है बाउंसर नहीं इधर उधर दूंगा डाई मारना ठीक है डाई मारने वाली दूंगा पक्का अरे मजाक कर रहा हूँ ये लो डाई मार के मैं नीचे हो गया चले अब देखो अब तो काम भी करा दिया तो आफत मचाता है बुला के परेशान करके रख दिया यार मेरे को पीछे सारी बात सुन रहा बेवाल तो मिला ऊपर ना लेना ना देना दो वाला हिसाब बाय।